अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो है वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, सैटरडे है, सुबह मॉर्निंग का जो सूरज है वो भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। आज जो है मैं इस वीकेंड पे जा रहा हूँ अपने अबाई गांव में, आप टाउन कह लें विलेज कह लें, जैसे आप सब लोग पाकिस्तान में हम जाते थे अपने नाना के घर दादा के घर जो विलेज में रहते थे। तो आज जो मेरा जो विलेज है अमेरिका के अंदर वही है जो जहाँ पर मैं सबसे पहले आया था यहाँ पे, तो वो न्यू मैक्सिको में था। तो आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं न्यू मैक्सिको जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके दोस्तों से मिलेंगे जो वहाँ पे अभी हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो वहाँ से मूव हो चुके हैं, जिनकी जॉब्स होगी वहाँ से, और कुछ ने यूनिवर्सिटी ट्रांसफर्स कर ली। तो इस तरह से कुछ दोस्त चले गए हैं वहाँ से और कुछ दोस्त हैं वहाँ पे न्यू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनसे भी इंशाल्लाह जाके मिलूंगा। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज जाने के लिए। तो अभी चलते हैं। इससे पहले जो है गाड़ी का मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और गाड़ी का जो पानी वगैरह वो कूलेंट जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी मैं वो चेक करता हूँ। कूलेंट जो है वो भी फुल है और जो विंडशील्ड के लिए वाटर है वो भी फुल है गाड़ी में। गाड़ी का जो फ्यूल था वो मैंने कल ही डलवा लिया था और वॉश भी करवा ली थी गाड़ी मैंने। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं सफ़र के लिए। सुबह सुबह का टाइम है जी, कोई बंदा भी आज बच्चा जो है वो रोड पर नज़र नहीं आ रहा। वीकेंड है तो सब लोग सो रहे हैं। इधर जो है ये स्टूडेंट हाउसिंग है यूनिवर्सिटी की हमारी टेक्सास टेक की, तो ये सब गाड़ी स्टूडेंट्स की लगी हुई हैं, तो ये भी अब सब अभी सो रहे हैं। गाड़ी जो है वो अभी बेगम चला रही हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं बाद में गाड़ी ड्राइव कर लूँगा, कोई दो घंटे बेगम चला लें फिर बाकी जो टाइम है मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा। ये अभी हम यहाँ से अपने लगभग जो सिटी है वहाँ से निकल रहे हैं। तो आप न्यू मैक्सिको जाएँ तो ये बड़ी एक इंफॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका स्टेटस यहाँ पे ग्रीन कार्ड नहीं है या जिनके पास टोटल कोई अप्रूवल नहीं है यहाँ पे, तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपना पासपोर्ट और I-20 लेके जाएं जब न्यू मैक्सिको जा रहे हैं। स्पेशली वो साइड जिनका जो बॉर्डर है वो मैक्सिको के साथ लगता है, तो न्यू मैक्सिको का कुछ बॉर्डर जो है वो लगता है मैक्सिको के साथ, तो इसलिए वहाँ पर आपको चेक पोस्ट पर चेक करते हैं आपके पास पासपोर्ट है और ID है आपकी, I-20 है, तो प्रॉपर उनको पता है कि आप F-1 हो F-2 वीज़ा है आपका, तो वो अच्छे से तसली से आपका चेक करते हैं। किसी भी स्टेट से इंटर हो रहे हैं तो वो नहीं चेक करते, लेकिन जब हम न्यू मैक्सिको या एरिजोना के साथ बॉर्डर लगता है, कैलिफोर्निया के साथ लगता है बॉर्डर इसका, उसके अलावा टेक्सास का जो ह्यूस्टन तक है वहाँ पर बॉर्डर लगता है, बाय रोड जाने का रास्ता है, तो वहाँ से जो है आपको लाजमी जब आप इंटर होंगे दोबारा टेक्सास के अंदर, आपको कहीं ओक्लाहोमा में जाना है, आर्कैनसास के अंदर किसी स्टेट के अंदर जाना है, तो आपका वो जो है आपका I-20 और पासपोर्ट लाजमी चेक करेंगे। तो इसलिए ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए, और ये एक दो बार हो चुका है क्योंकि हम न्यू मैक्सिको में रहते थे, लॉस क्रूसेस हमारा एरिया था, तो बहुत ही करीब थी चेक पोस्ट, तो ये एक दो बार स्टूडेंट्स के साथ हो चुका था, वो उनको वापस भेज देते थे जी लेके अपना पासपोर्ट और I-20, वरना हम आपको इंटर नहीं होने देंगे, तो इसलिए आप लाजमी लेके जाएँ जी। अभी हम जो हॉब्स और कार्लसबर्ग जो एरियाज़ हैं न्यू मैक्सिको के, जो कि माशाल्लाह बहुत रिच हैं ऑयल एंड गैस के लिए, इनका ये देखें जी ऑयल रिंग कितना करीब लगा हुआ रोड के ऊपर, तो ये देखें जी इनकी जब ये ऑयल रिंग आपके स्टार्ट हो रही तो आप समझेंगे आप हॉब्स और हॉब्स न्यू मैक्सिको जो एरिया वहाँ पे इंटर हो रही है। न्यू मैक्सिको के में आने का ये बड़ा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जी, यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है गाड़ियों की, ये सेम हाईवे वही उसी हाईवे पर हम आ रहे हैं टेक्सास वाली जो इंटर हो रही है न्यू मैक्सिको में, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो 60 है और जो हम टेक्सास से आ रहे थे वहाँ पर स्पीड थी 75, तो ये एक बड़ा ना झटका सा लगता है ड्राइविंग करते हुए कि अचानक से स्पीड कम हो जाती है यहाँ पे। और ये है कि जिस तरह लैंड ऑफ एन्चेंटमेंट है न्यू मैक्सिको, टेक्सास को हम कहते हैं लोन स्टार, और जो इसकी नेबरिंग स्टेट है न्यू मैक्सिको के साथ कोलोराडो, उसको हम कहते हैं वेलकम टू कलरफुल कोलोराडो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हिली एरिया है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सामने हॉब्स न्यू मैक्सिको लिखा रहा है। न्यू मैक्सिको में आने का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं यहाँ पे। ये देखें जी 3.59 का जो 86 नंबर वाला है वो मिल रहा है यहाँ पे, जो मिनिमम ऑक्टेन रेटिंग है, फिर 3.95 का, 4.19 का जो 90 वाला डीजल है, 4.09 का, तो यहाँ पर जो है, जबकि मैं आज जो है जब मैं निकला था कल रात में, बल्कि जब मैंने गैस डलवाई तो वो मुझे 2.89 की मिली टेक्सास के अंदर से, तो सब्सिडी मिलती है टैक्सेस वालों को जी, और वो लोग उनको गैस की प्राइसेस कम है न्यू मैक्सिको में अराउंड, अभी यहाँ पे इंटर हुआ हॉब्स जो रिच एरिया यहाँ पे ऑयल एंड गैस का, तो अभी मैं हॉब्स के अंदर ही हूँ, तो यहाँ पे जो है वो 3.59 शो हो रहा है गैस की प्राइस, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो इसकी प्राइसेस बढ़ती चले जाएंगी।
जी इस गैस स्टेशन पे मैंने बड़े ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है। अगर मतलब कहीं इशू बन जाए गैस स्टेशन, कोई आग वगैरह लग जाए, तो ये एमरजेंसी फ्यूल शट ऑफ, ये स्विच बनाया उन्होंने, तो जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है ये गैस स्टेशन पूरा बंद हो जाएगा। ये जो बंदा है सामने, ये जो है ना, ये जो स्टैंड लगा रहा है, तो यहाँ पे ये गैस बंद करेगा और ये चलाएगा जी, नीचे से हीट देगा। तो इनका जो एक स्पेशल सीज़न होता है फॉल के स्टार्ट में, तो ये जो है ये मिर्ची हैं, ये जो सारे ये बंडल लगे हुए हैं सामने रेड कलर के, ये मिर्चे हैं। तो ये लोग मिर्चों को बंद करते हैं फिर इनको सेल करते हैं। तो ये बंदा भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो ये इनका एक ट्रेंड है, जो लोग मेक्सिको से हैं, मैक्सिकन हैं, तो ये मैक्सिकन लोग ये सब कुछ करते हैं। तो ये जो होती हैं ये वाली मिर्चें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। वेदर देखें जी आज कितना प्यारा है यहाँ पे, वरना तो इस टाइम में जो सूरज है ना वो डेड स्क्रीन के ऊपर रहता है फ्रंट साइड पे आपके, और आपको एसी भी फुल ऑन कर देना पड़ता है। अभी तो मैंने नंबर वन पे ऑन किया हुआ है और ठंडी हवा आ रही है, सूरज बिल्कुल भी नहीं है, और ये आसमान देखिए कितना क्लियर नजर आ रहा है। न्यू मेक्सिको की यही खूबसूरती है कि ये जो है चक्कर खाते हुए रोड्स इसके, और साथ में ये जो प्लेन एरियाज आते हैं, कभी सहरा आ जाते हैं तो कभी ये माउंटेन्स आ जाते हैं। तो ये माशाल्लाह ये माउंटेन्स जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये तो। और ये जो माउंटेन्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले जो हैं, ये जो लिंकन नेशनल फॉरेस्ट है न्यू मैक्सिको के अंदर, ये उसका हिस्सा है। यहाँ से ये एक समय आप कह लेंगे स्टार्ट हो रहे हैं, और जो एंड्स होते हैं वहाँ पे रोडोसो क्लाउड प्लाट वाली साइड पे, वहाँ पे जाकर काफ़ी हाइटिट्यूड ये ग्रीन हो जाते हैं। यहाँ पे इतने ग्रीन नहीं है, इसलिए शायद न्यू मैक्सिको डेजर्ट कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसका एरिया जो है ग्रीन नहीं है। तो ये बस छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ सी इस तरह यहाँ पर नजर आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे न्यू मैक्सिको का जो काफ़ी एरिया है वो काश्त के काम में भी नहीं आ रहा। तो क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, पथरीले इलाके हैं यहाँ पे, तो काश्तकारी बहुत कम होती है न्यू मैक्सिको में। जो ज़्यादा काश्तकारी यूएस में होती है वो मोस्टली टेक्सास में, तो मैंने बहुत देखी है, वो कॉटन जो है बहुत स्पेशल है वहाँ की, और कैलिफोर्निया वाली साइड पे भी होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह कुछ एरिया है वहाँ पे होती है, न्यू मैक्सिको में बहुत कम होती है, और इसका बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो खाली है। ये जो लिखा रहा था 7% जो है ना डाउन हिल जा रहा है ये रोड, अभी देखते हैं ये कहाँ तक ये डाउन हिल चलता है। जो स्पीड लिमिट थी वो तो इन्होंने हमें दी थी कि वो 55 माइल्स है, तो गाड़ी ऑटोमेटिक 70-75 पे जा रही है। ये वाला हिस्सा भी देखना है, ये कितना वाइट है, मतलब ये पूरी वाइट सैंड लग रही है। लेकिन यहाँ पे तो पार्क भी है ना, वाइट सैंड नेशनल पार्क, लेकिन ये पार्क नहीं है। तो ये वैसे देखें ये डेजर्ट एरिया में किस तरह से ये सारा सफ़ेद हुआ पड़ा है। ये जो सब ये दरख्त नज़र आ रहे हैं ये पिकान के दरख्त हैं, ये हाईवे के दोनों साइड्स पे हैं। ये पूरा एक इन्होंने पूरा बाग बनाया हुआ है इन पिकान्स का। ये पिकान जो होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अपने अखरोट होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है इनका, और कटिंग भी इनकी शेप भी वैसे ही होती है। तो लेकिन यहाँ पे पिकांस कहते हैं, तो अभी ये देखा अभी तक भी इसके दरख्त जा रहे हैं साइड्स पे, तो अभी वहाँ पे जाके ये एंड हो रहे हैं। ये देखें ये लॉस क्रोसिस भी बिल्कुल आने वाला है, तो ये बिल्कुल लॉस क्रोसिस एंटर्स होते ही आते हैं पिकांस के ट्रीज। तो ये देखें ये ऊपर सिग्नल आ गया है, लॉस क्रोसिस जो है एग्जिट जो है ना वो 1 माइल पे है। आई एम वेरी एक्साइटेड, अल्हम्दुलिल्लाह लॉस क्रोसिस में पहुँच चुका हूँ। ये सामने माउंटेंस देखे हैं, वो आपको ये भी लिखा नज़र आ रहा होना है, तो वो जो साइन है वो एगिस का है। तो ये अपने आप को एगिस कहते हैं NMS यूनिवर्सिटी वाले। तो ये बिल्कुल जी ये यूनिवर्सिटी का स्टार्ट भी हो गया है, NM स्टेट यूनिवर्सिटी ये लिखा भी आ गया कॉर्नर पे। और ये सबसे पहला हॉल है इनका जो जिसको स्क्रीन हॉल कहते थे ये लोग, तो बड़ी यादें जुड़ी हैं सिख साहब, बड़ा इंजॉय किया, कोई 1.5 ईयर्स गुजारे यहाँ पे NMSU में, तो बड़ा मज़े का टाइम था। और मैं बड़ा जब मैं ये स्टारबक्स ये सामने आ गया, तो ये फर्स्ट स्टारबक्स है जो मैंने ट्राई किया था अमेरिका में आके, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मेरे आ रहा है कॉर्नर पे सिग्नल पे, ये देखें जी ये वाला, ये हैं जी मेरे वाले अपार्टमेंट्स। इनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, कोई मैंने 1.5 ईयर्स स्पेंड किए हैं लॉस के अंदर। तो ये डेजर्ट रोज़ अपार्टमेंट्स थे,
और ये है जी हमारा मेल बॉक्स, यहाँ पे हमारी मेल्स वगैरह आती थी, इन पे नंबर लगे हुए हैं अपार्टमेंट्स के। तो मेरा जो अपार्टमेंट था वो नंबर 3 था, और बिल्कुल पीछे इसके वो गाड़ी भी खड़ी है, ये बिल्कुल वही पुराने वाले जो है टेनेंट्स हैं यहाँ पे। तो मैंने देखा हुआ है इनको यहाँ पे पहले भी। तो ये ऊपर जो है अभी दोस्त रहते हैं, लेकिन मेरा जो अपार्टमेंट था वो बिल्कुल एंड पे था, वो जहाँ पे लाइट ऑन है, तो मैं यहाँ पे रहता था नंबर 3 अपार्टमेंट में। तो अभी तो कोई और टेनेंट है यहाँ पे। कैसे हैं जी भाई, फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है बढ़िया से यार। बात चक्कर लगा रहा है आपका। हाँ वाकई यार, 1 माह 1 साल 4 माह के बाद। जी बिल्कुल, आए बैठे तशरीफ। हाँ जी, थैंक यू जी। जिस तरह हर सिटी के अंदर जिस यूनिवर्सिटी, जितर भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे एक होता है ग्रोसरी स्टोर जो इंडियन या पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री का होता है। तो ये किंग मार्केट है जो कि अरेबिक स्टोर है यहाँ पे, और लॉस क्रूसेस के अंदर एक ही ये इंटरनेशनल ग्रोसरी स्टोर था। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे अंदर से। ये देखें, ये यहाँ पे फ्रीज़र पड़े हुए साइड पे, ये जूस वगैरह और दालें हैं जी। साथ में ये पीछे बैक पे इन्होंने किचन भी स्टार्ट किया हुआ है, किचन भी है, लेकिन मोस्टली जो है इनके पास अरेबिक डिशेज़ हैं। और ये जो है ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश वेजिटेबल्स भी हैं। ये इनका स्पाइसेस का रैक है यहाँ पे, और इस साइड पे जो है ये मटन बीफ का और डिफरेंट जो है ना फ्रोजन फूड है, जिसमें ये नगर्स पड़े हुए हैं इनके पास, समोसे हैं, रोटियां हैं, नान हैं, हर तरह के ये चीज़ें के पास पड़ी हुई थी यहाँ पे। और ये जो अरबी जो जिसने चाय वगैरह कावे वगैरह पीते हैं, तो उनके लिए कप वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये जो रैक ये अरबियों का, ये वाला जी मिसेज अजीम ने बहुत ही मज़े का और यमी सा जो लग रहा है ये है जी चिकन कौरमा, दही बल्ले बनाए हैं जो इनके स्पेशल हैं, ये डिफरेंट सॉसेजेस बनाई हैं साथ में। और मेरे जो स्पेशल जो हैं वो जी कबाब हैं, और ये शामी टिक्कियाँ हैं साथ में, और बड़े ही मज़े की लग रही है जी बिरयानी, और अभी खाएंगे तो पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी है जी, और साथ में जब शामी टिक्की हो और दही बल्ले हो तो बिरयानी का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। अजीम भाई के घर में एक तो ये मनी प्लांट जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और साथ में आपको ये दिखा दूँ ये नीम, इसका जो आर्किटेक्चर है ना घरों का, ये ऐसा ही होता है। ये देखें, ये वॉल है ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी की बनी हुई है वाली, देखें। तो ऐसे जो स्टाइल के घर हैं वो आपको न्यू मैक्सिको में ही मिलेंगे। पौधे जो है ना वो मुझे बड़ी पसंद हैं, तो मैं अजीम भाई से पूछूंगा ये कैसे जो है ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताइएगा। ये हाइड्रोपोनिक प्लांट सिस्टम है, ये प्लांट्स मतलब सॉइल के बगैर बढ़ते हैं, और मतलब जर्मिनेट भी ऐसे ही होते हैं। तो इसमें पॉड्स होते हैं और उसके अंदर सीड होता है, तो आप इसमें लगा देते हैं हर डिफरेंट, जैसे अगर मिंट है तो उसका 6 to 10 days होता है जर्मिनेशन टाइम। एक दफ़ा जर्मिनेट हो गया तो वो फिर बढ़ने लग जाएगा, और उसकी रूट सारी पानी के अंदर होंगी। इसके अंदर जो है पानी, इनके अंदर नीचे पानी है, नीचे पानी है। अगर आप इसमें देखें ना, ये पानी और रूट्स आ जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी और बिल्कुल। इसके अलावा फिर इसमें होता है, इसकी फूड प्लांट होता है, प्लांट फूड हो गया, तो अच्छा अच्छा वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं वो इसमें ऐड करनी होती हैं, तो वो आप इसमें ऐड करते रहें और ये फलता फूलता जाएगा। अभी हमारे पास करली पार्सले है और ये टोमेटो है, तो अभी इसमें टोमेटो लगेगा। टोमेटो लगेगा, फिर ये किचन में साथ में बनाया करेंगे, खाया करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताज़ा ताज़ा इसमें से उतारा और खा लिया, तो ये हाँ आपके में आपके घर में ताज़ा ताज़ा। हाँ जी, चले बहुत शुक्रिया अजीम भाई, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये इलेक्ट्रिक है ना? जी जी, हाँ इसमें ये पंप है, और ये इसमें ये फिर ना पानी लगता रहता है इसमें, इसमें मतलब जितने मर्जी पौधे लगा लें। ये 6 इसमें एक टाइम पर लग हाँ सकते हाँ हैं, डिफरेंट लगा डिफरेंट सकते मॉडल्स हैं, तो इसमें ये इसमें 6 एक टाइम पर लग सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जब हो जाए तो फिर इनकी रूट्स भी आपस में फिर कम्पीट करती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। अच्छा अच्छा जैसे वो फिर प्लांट एक ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, दूसरा ज़रा कम, तो फिर ये भी देखना पड़ता है। हाँ चलें ठीक है, ओके जी। अजीम भाई आपका ने अजीम भाई आपने जो खाना खिलाया बड़ा ही मज़े का, बिरयानी और चिकन जो कौरमा था, बड़ा मज़ा आया। तो आज जो है स्टे हम अजीम भाई की ही तरफ करेंगे रात में, तो इंशाल्लाह। बड़े अच्छे होस्ट हैं, थैंक यू सो मच जी हॉस्पिटैलिटी का। और आज की वीडियो हम करते हैं इधर ही एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।